प्याज आलू इतनी महंगी सब्जी हो जाएंगी, गरीब आदमी क्या करेगा। मार्केट में जो रेट मिल रहा है हम ले रहे हैं। ये पहली बार ही नहीं हो रहा है, प्याज पे बहुत सारी सरकारें आई और गई हैं। न्यूज में पेपर में तो दिखा रहे हैं, पर मार्केट में आए तो कहीं मिली नहीं रही। या इतना महंगा भी लेना तो पड़ेगा ही, खाना तो है। पहले भी प्याज से गया था, अब कभी प्याज से जाएगा। जितना महंगा होना है होने दो, ये नेसेसरी नहीं है, नेसेसिटी है। इस प्याज की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, गृहिणी के किचन के तड़के का स्वाद है ये प्याज। सत्ता पलटने का काफी पुराना राज है ये प्याज और आने वाले चुनाव के होने का आगाज है ये प्याज। तो आज का हमारा मुद्दा है बाजारों में 60 से 80 रुपए किलो मिल रही ये प्याज। प्याज से सत्ता परिवर्तन का इतिहास काफी पुराना रहा है। इसी से सबक लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस महंगाई में उनकी सरकार दिल्ली की जनता को 24 रुपए किलो प्याज बेचेगी। तो कहीं सस्ती कहीं महंगी मिल रही प्याज पर लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आप राशन से नहीं खरीद रहे आज, तो अरविंद केजरीवाल जी मोबाइल वैन के थ्रू बांट रहे हैं। प्याज निकली हूँ खरीदने के लिए पर मुझे नहीं मिला कहीं। मोबाइल वैन यहाँ खड़ा है, कुछ भी नहीं है। आपने कहीं देखी वैन, मोबाइल वैन देखी कहीं पे? मोबाइल में नहीं देखी हमने, वहाँ देखी सफल में देखी। सस्ती हो गई, लेकिन हमें तो अभी तक 50 ही मिल रही है। अगर हो गई है तो बहुत अच्छी है, गुड फॉर अस। कहाँ सस्ती हुई है, अभी तो 50-60 रुपए चल रही है। कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्याज सस्ती कर दिया तो। केजरीवाल में लाइन लगानी पड़ेगी ना, खाना भूख आ जाएगी। केजरीवाल के पास बाद में जाएंगे, वहाँ कहेगा माल नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे। कहाँ है ये तो 60 दे रहे हैं। वो प्याज तो मैडम जी बढ़िया नहीं है ना, प्याज वो भी वैसी ही है। कहाँ पर मिल रहा है? अरे केजरीवाल जी ने बताया, इतनी वो घोषणाएं कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं चला? कहाँ मिल रहा है केजरीवाल? वो तो कल कहा, बहुत पहले से बांट रहा हो। तो 1 किलो मिला, 1 किलो नहीं लिया? नहीं, 1 ही किलो दिया। नहीं नहीं, उसमें सड़ी सड़ी प्याज है, उसमें 24 कौन सी कोई खरीदेगा? नासिक और 24 रुपए तो और नासिक में भी नहीं है मैडम जी, कौन घाटा करेगा? प्याज के फायदे तो ठीक है, वो 1 किलो से ज्यादा नहीं दे रहे। फायदा क्या, अभी ऐसे ऐलान कर दिया पर कुछ पहुँची नहीं थी, तो हमें क्या फायदा? ये 4 किलो प्याज फिर आप यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ जी, कितना कम आए की नहीं। आप कोई वो बोल रहे हैं कि हम मोबाइल वैन और राशन की दुकानों पे दे रहे हैं। या जिसको मोबाइल नहीं आता वो क्या करेगा? जैसे कोई गरीब है उसको आता है मोबाइल चलाना, नहीं आता ना उसका काम नहीं है। नेफेड वाला तो सेंटर के अंडर में, सेंटर क्यों नहीं करता? गाड़ी लेके घूमो। 24 रुपए हमने देखी नहीं, अगर वो गली सड़ी होगी जो स्टोर की होगी, जब बासी पड़ी होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है 24 रुपए लेने का। प्याज उन लोगों ने जो भी सारी प्याज सड़ी गली वो सारी एक साथ ही पैक करी, उन्हें छाटने नहीं दे रहे हैं। सफल पे जाके देखिए आप, प्याज नहीं है वो क्वालिटी का बिल्कुल ही। उसमें आपको मतलब चूज करके भी अगर 10 किलो पड़ा तो 1 किलो मुश्किल से ठीक होगा। हमने तो भाव ही नहीं पूछा क्योंकि हमें तो 9 दिन खाने नहीं है ना। प्याज दाम ठीक है, कम हो गया था अभी 24 रुपए, कुछ पैसे ले आया था मैं यहाँ डेयरी पे से, एक आदमी को 2 किलो दे रहे हैं। पिछली सरकारों में सुषमा स्वराज ने, शीला दीक्षित ने 10-10 रुपए किलो प्याज प्रोवाइड करवाए थे, वैसे इनको भी 10 से 15 रुपए तक करवाना चाहिए। ये प्याज ही है जिसने सन 1980 में जनता पार्टी का तख्ता पलट करके रख दिया था। वहीं साल 1998 में इसी प्याज की महंगाई ने सत्ता की चाबी सुषमा स्वराज के हाथों से लेकर शीला दीक्षित को 15 सालों के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बनवाया था। तो आपको क्या लग रहा है, केंद्र सरकार बोल रही है कि जब ये हमसे 22-15 रुपए प्याज ले रहे हैं और लोगों को 24 रुपए दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ठग रहे हैं। प्याज की कीमत का इससे कोई लेना देना नहीं है, कि दोनों सरकारों को, केंद्र को और केजरीवाल को बोलो कि इस पे राजनीति करना बंद करें और जो जनता के मेन मुद्दे हैं ना उन पे आए। प्याज के ऊपर फोकस लिया है, प्याज ने 2 बार सरकार गिराई है इसलिए प्याज पे फोकस है। मैम आपको क्या लग रहा है, सरकार की मंशा क्या है सस्ती प्याज देने के लिए? मंशा तो केजरीवाल जी की बहुत अच्छी है कि मगर जहाँ वैन है वहाँ तक तो पहुँचे। चुनाव की वजह से है मंशा। देखो आप नजदीक आने वाले, सब जानते हैं कि अब चुनाव नजदीक है। मंशा क्या है भाई, पब्लिक को फायदा होना चाहिए, पब्लिक को मिलना चाहिए। अरे वो सब जो है कि मैं हमें वोट दो, सब उसका वोट का चक्कर है और कुछ। हाँ मंशा तो इलेक्शन है ना, इलेक्शन के लिए वो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट होगी चाहे ये दिल्ली की आप सरकार होगी। आपको कुछ बात नहीं करनी उनसे, वो 24 रुपए में देने वाले हैं, आपको लग रहा है खतरा लग रहा है अपने बिजनेस पे? तो उन्हें भेजी है ना यहाँ पे, 24 रुपए भेज रहे हैं तो यहाँ हमारे यहाँ भेजे। आपका कुछ नुकसान? उनका भी कोई फर्क नहीं है, हम क्या कम है किसी से, मुझे कोई नुकसान नहीं, जैसे आएगी वैसे बिकेगी। फर्क तो पड़ता ही है मैम, गिराव के आज बहुत कम बिक रहा हमारा पहले से। कितने आए आज ग्राहक आपके पास? थोड़े कम ही आ रहे हैं, बहुत कम ग्राहक आते हैं और जब सस्ती थी बहुत ज्यादा बिकती थी हमारी फसल। जब डाले आएगी जब ही मंदा होगा, वैसे तो मंदा नहीं होने का। प्याज अगर वो होगा 60 रुपए होगा तो मैं 2 की जगह 1 यूज कर लूंगा। मैम फसल खराब हो रखी पीछे, तो इसमें और क्या है, वो क्या करेंगे? झांसा दे रहे हैं कि आप हमें, हम आपको दे रहे हैं सस्ता, बट इन रियलिटी
इट्स नॉट रियली रीचिंग द कॉमन मैन। हर जगह हर स्टोर में डाले वहाँ पर सबको प्याज की को कमी है। हम सब लोग इतनी सारी सब्जियों में और इतनी सारी प्रॉब्लम में प्याज को ही क्यों देख रहे हैं? प्याज के अलावा दूसरी प्रॉब्लम बहुत सारी है, ओवरऑल इकोनॉमी है। हम तो ये कहेंगे मैडम सस्ता ही करवाएं प्याज वो। आई थिंक वो मिडिल क्लास के लिए सोच रहे हैं तो अच्छा ही होगा। यही है कि कम से कम जो प्याज का रेट है वो डाउन करके हम सब प्याज क्वालिटी तो ठीक करें, ये थोड़ी कुछ भी माल दे देंगे। ये केजरीवाल जी क्या करना, हमारी कॉलोनी में तो आते ही नहीं है। समस्या जिसका समाधान आप सोच रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए प्याज के अलावा? प्याज के अलावा बेरोजगारी दूर करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो जितने हमारे युवा जो पढ़ के निकल रहे हैं उनको नौकरियाँ मिले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो डीजल है 70 के करीब आ रहा है इस वक्त, तो जो डीजल का रेट कम होगा तो हमारी महंगाई को अपने आप ही लगाम लगेगी। तो कुछ लोग तो सरकार के इस फैसले से काफी खुश नजर आए, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि देश में इस वक्त काफी ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनका समाधान प्याज से ज्यादा जरूरी है।